हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये जो पिक्चर है वो सुबह से ही काफ़ी वायरल हो रखी है और काफ़ी लोगों ने पूछा है कि ये कौन सी गन है। तो ये जो आप स्नाइपर राइफल देख रहे हैं, ये साको TRG 42.338 लैपुआ मैग्नम है, जो कि एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। तो जो बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, तो इस स्नाइपर राइफल को भी वर्ल्ड की बेस्ट स्नाइपर राइफल में गिना जाता है। बेसिकली अगर गन की बात करें तो ये फिनलैंड को बिलोंग करती है और इसके वज़न की बात करें तो ये करीबन 5 से 6 किलो के बीच का है। गन की टोटल लेंथ की बात करें तो ये 1000 से 1200 मिलीमीटर की है। वहीं पर अगर बैरल लेंथ की बात करें तो ये करीबन 690 मिलीमीटर का है। वहीं पर इसकी इफ़ेक्टिव रेंज की बात करें तो ये करीबन 1500 मीटर की है और इसमें एक बार में 5 राउंड की डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन आती है। साइट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें डिफरेंट टाइप के स्कोप्स लगाए जा सकते हैं। तो जो इसका बैरल है वो फ्री फ्लोटिंग बैरल है, जिसकी वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी इसके मजल ब्रेक को रिमूव करके एक साइलेंसर लगाया जा सकता है जो गन को काफ़ी ज़्यादा ही शांत कर देता है। पर इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये गन स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस के लिए काफ़ी अच्छी है और हमारी पैरा SF इसे यूज़ करती है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये काफ़ी रिस्पेक्टेड गन है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इजी टू मेंटेन है। और जब साइट की बात आती है तो इसमें वेरिएबल टेलीस्कोपिक साइट्स लगाई जा सकती है, ऑपरेटर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चूज़ कर सकता है, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी सारे ऑप्शन दे देती है। तो ये गन दुनिया की कई कंट्रियों के साथ ऑपरेशनल है और ज़्यादातर इसे स्पेशल फोर्सेस ही यूज़ करती हैं। तो इस less than 2 मिनट की इन्फॉर्मेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।